यस बहुत ही कमाल एक्सपीरियंस रहा है। एंड पहली बार उर्मिला जी एंड भाग्यश्री जी के साथ मैंने कोई शो जज किया है। एंड इनफैक्ट उर्मिला जी के साथ तो मैंने काम भी किया है और मेरी करियर की शुरुआत उनके साथ ही हुई है, सो उनका मेरा एक अलग ही कनेक्शन है। भाग्यश्री मैम का भी एक अलग कनेक्शन है क्योंकि मैं बचपन से जब उनकी पहली फिल्म आई थी तो मैं स्कूल में था और मैं इतनी बार देखी वो पिक्चर, तो वो एक कनेक्शन था। तो इट्स सो नाइस टू सिट विद बोथ ऑफ देम, मतलब इट्स एन ऑनर टू बी देयर जज के। यस मेरा एक्सपीरियंस कमाल का रहा है और मैं ऑलवेज मानता हूँ कि लाइफ इज़ अबाउट सेकेंड चांस। तो वो सेकेंड चांस वाले जब आते हैं तो वो मैंने कभी नहीं देखा था कि एक्सपीरियंस नहीं किया था, मैंने खुद नहीं किया है। मुझे लाइफ में सेकेंड चांस मिलता है, मिला है, और मैंने अपने सेकेंड चांस को किस तरीके से यूज़ किया है मुझे पता है, लेकिन मैंने किसी और को नहीं देखा है। तो मैंने पहली बार देखा कि हमारी सारी सुपर मॉम्स जो हैं वो सेकेंड चांस लेके आई है और कमाल है, मतलब उन्होंने जिस तरीके से ये जर्नी कम्प्लीट किया, आई थिंक इट्स कमेंडेबल। पिछले 3 महीने में इनफैक्ट मैं एक कोई यादगार नहीं बोल सकता हूँ, मुझे ये पूरा का पूरा जर्नी जो है वो यादगार रहेगा एंड हमेशा मेरे साथ रहेगा। सो इट्स ब्यूटीफुल एंड इट्स गोना बी माय वन ऑफ माय फेवरेट मेमोरीज। चलो गाइस हो गया सबका फोटोग्राफ, करें शूट। ये फिनाले बाकी फिनाले से ऑफकोर्स डिफरेंट है क्योंकि सुपर मॉम्स है वो फिनाले कर रही हैं और उनका जो परफॉर्मेंस देखना, उनका जो फाइनल में आना, डांसरों के साथ डांस करना, समथिंग एल्स ओनली एंड इट्स अमेजिंग। गोविंदा जी है साथ में एंड देन रश्मिका एंड नीना जी आई हैं, तो मतलब बहुत ही कमाल होने वाला है। ये ऑडियंस को यही एक ही मैसेज है यार, इतने सालों से मुझे प्यार देते हैं, इतने सालों से इस शो को प्यार देते हैं, ऐसे ही प्यार देते रहिए एंड हमारी कोशिश ये रहेगी कि आप तक हमेशा अच्छे और अच्छे ही परफॉर्मेंस और अच्छा काम ही दिखाते रहें। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।